दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ थ्रेड इफ़ेक्ट केक और ये इतना आसान है कि जल्दी जल्दी आपको अगर कोई केक का डेकोरेशन करना हो तो इससे आसानी से आप बना सकते हैं। आज मुझे दो केक बनाना था जिसके लिए मैंने केक बेक होने के लिए छोड़ दिया है। एक कप प्रीमिक्स के साथ मैंने हाफ के जी के लिए ये केक तैयार किया है। ये स्पंज मैंने कैसे बनाया है इसकी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। और मैंने व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा इम्बल्सन मिक्स किया है, पाइनएप्पल इम्बल्सन, चूँकि ये पाइनएप्पल केक है तो इसके लिए मैंने क्रीम में इम्बल्सन यूज किया है। साथ ही मैं थोड़ा फ्लेवर देने के लिए कीवी भी डाल रही हूँ, पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़ों को भी डाला है और उसके बाद मैंने कीवी भी डाल दिया है। जैसा कि हमेशा मैं करती हूँ, स्पंज का पहला लेयर रखा मैंने और उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाया और पाइनएप्पल कीवी को डालने के बाद मैंने क्रीम से कवर किया। लेकिन आपको अगर क्रश डालना है तो आप इस पे डायरेक्ट स्पंज पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्रीम के ऊपर भी जो क्रश है पाइनएप्पल का वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मालाज का पाइनएप्पल क्रश यूज किया है। केक को क्रम कोट करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। इस केक को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपको दूंगी। मैंने क्या किया है जिससे थ्रेड जो डेकोरेशन है वो आसानी से और बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही सुंदर बनेगा, इसका आप देखेंगे आगे। इससे पहले मैं इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट केक का आइसिंग हो चुका है। मैं यहाँ न्यूट्रल जेल यूज कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इतना इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ही प्लेट में तीन जगह मैंने न्यूट्रल जेल थोड़ा थोड़ा रखा है और उसके बाद जो बचा हुआ न्यूट्रल जेल था इसे मैंने केक के ऊपर डाल दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप जब आइसिंग कर लेंगे उसके बाद केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर न्यूट्रल जेल डालकर और इस तरीके से कवर कर लेंगे। न्यूट्रल जेल जो मैंने तीन अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा रखा था उसमें मैंने रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर को मिक्स किया है। आप चाहें तो वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो जेल कलर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज किया है और एक ही लंबा सा धागा लिया है और उसमें तीनों कलर को इस तरीके से ऐड किया है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे रेड कलर, थोड़ी दूर पे येलो कलर और थोड़ी दूर पे ग्रीन कलर इसमें अच्छी तरीके से लग गया है। और आप देख सकते हैं उसी धागे से मैं इस तरीके से करती जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने तीन डिजाइन बनाया है। जिस तरीके से मैंने धागे को रखा है उस तरीके से रखना है और सिंपल है, उसे हल्के हाथों से खींच देना है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो बचा हुआ जेल कलर है उसको टैप कर दें केक के चारों साइड में और उसी को अच्छी तरीके से पैलेट नाइफ से लगा दें। याद रखें कि इसके ऊपर जेल लगा हुआ है, न्यूट्रल जेल आपने जो पहले मिक्स किया था वो लगा हुआ है, इसलिए आपको पैलेट नाइफ को बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। और देख सकते हैं न्यूट्रल जेल के कारण ये बहुत ही शाइनी लगता है और ये केक दो दिन तक भी अगर फ्रिज में रखा रहेगा तो ना ही ये क्रैक होगा और ना ही इसमें कोई भी कलर चेंज होगा, कुछ भी होगा। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है और 5 मिनट में बनने वाला है डिजाइन। कोई भी साइड में ओपन स्टार नोजल से आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा कोई भी नोजल है आप उससे बॉर्डर बना दें। ये केक बिना नोजल के भी अच्छा बन सकता है और 5 मिनट में ये केक अगर आपको रेडी करके कस्टमर को देना है तो बस थ्रेड लीजिए और इस तरीके से कलर में डिप कीजिए और फटाफट तैयार है केक। मेरी टिप्स अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही अलग अलग तरीके की आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी तो आप उसे भी देखें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखिए, अगर आपको कोई सवाल भी है तो आप मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी।